रांची के चर्चित एक्सट्रीम बार हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त राइफल को बरामद कर लिया है। चुड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में बीते 27 मई की रात डीजे बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में प्रयुक्त राइफल को रांची पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद शनिवार को यानी आज तुपुदाना इलाके से बरामद किया है। हथियार बरामद करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बताया गया कि हथियार को गैरेज में छिपा कर रखा गया था। हालांकि रांची पुलिस के कोई भी पुलिस अधिकारी इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एक डीजे की हत्या हुई थी एक्सट्रीम बार में। उस घटना में हथियार जिस राइफल में यूज किया गया था जिसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था उसको हम लोगों ने जो है अभी बरामद किया है। और इसको छुपाने में जो हथियार घटना के बाद छुपाने में जो 3 है उनके उन 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो एक्यूट है उसके स्टाफ है और एक आदमी जो मेन एक्यूट है उसके बड़े भाई का दोस्त है जिसकी नामकूपी किराने की दुकान है। इन 3 ने जो है हैंड ओवर टेक ओवर किया और अल्टीमेटली हथियार को छुपाया। हम लोग पुलिस रिमांड पर इसको लिया और जो सूत्र मिला उसकी निशानदेही पर ही हम लोग जो है छापेमारी किए और राइफल भी बरामद हुआ, गोलियाँ भी बरामद हुई और इसके अतिरिक्त खोखा भी बरामद हुआ और ये 3 इन्होंने उसकी मदद की थी इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास करने उन 3 गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ से लग रहे ये तुपुदाना सर वाहन शोर का भी संचालन किया जा रहा है क्या गिरफ्तारी अभी जो ब्रेजा गाड़ी जिसके द्वारा वो बार में आया था उस गाड़ी का भी कोई मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है। प्रबल संभावना कि वह वाहन भी चोरी का। इसके अलावा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चोरी बड़ी चौपहिया वाहनों की चोरी करके बिहार में खपाता था और कई बार बिहार की गाड़ी